गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम TSN द सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 की आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसका आज हम देखेंगे पार्ट 1। डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा हमने केमिस्ट्री में लेसन 1-5 कंटिन्यू किए थे। इसके बाद मैं सीधा अब जो वीडियोस बना रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 12 के बना रहा हूँ, ठीक है। हमने लेसन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनको जो है थोड़े टाइम के लिए छोड़ा है, थोड़े टाइम के लिए डिले किया है। हम सीधा आ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 पर, और चैप्टर नंबर जो 12 है वो हमारा ऑर्गेनिक का पार्ट है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 आएगा वो भी ऑर्गेनिक का ही लेसन है। ऑर्गेनिक के दो लेसन है आपके कोर्स में, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 12 के आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, पार्ट 1 हम इसका आज देख रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोस कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने हो या कार्बन जिनमें हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत बड़ी क्लास है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू एलिफैटिक लीनियर चेंज जिनमें चलती कार्बन की, और साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कार्बन साइक्लिक रिंग में हो। तो हमने हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड किया एलिफैटिक में और साइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है। अब ध्यान देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो फ्लो चार्ट में आपको हाइड्रोकार्बन का सिखा रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट आप ध्यान से देख लें। ये फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ब्रीफली हमें आगे इसी फ्लो चार्ट को डिस्कस करना है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिवाइड किया है एलिफैटिक और एरोमेटिक क्लास में, एलिफैटिक और एरोमेटिक क्लास में। एलिफैटिक को फर्दर हमने डिवाइड किया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिन्हें ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक को फिर हमने डिवाइड किया है बेंजिनोइड कंपाउंड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड, ठीक है। बेंजोइड कंपाउंड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड मैंने लिखा भी यहाँ पर कि बेंजोइड कंपाउंड कौन से होते हैं जो हकल रूल को फॉलो करते हैं, और नॉन बेंजोइड कंपाउंड कौन से होते हैं जो हकल रूल को फॉलो नहीं करते। खैर, ये वाली बात हम बाद में करेंगे कि क्या होता है हकल रूल, ठीक है। चलिए, एलिफैटिक जो कंपाउंड है जिनको हमने डिवाइड किया है एलिसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड में, तो इसी को मैंने वापस यहाँ पे लिखा है कि एलिफैटिक को हमने एलिसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड में डिवाइड किया है। एलिसाइक्लिक जो है वो फर्दर डिवाइडेड है, एलिसाइक्लिक फर्दर डिवाइडेड है, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर वापस बनाया था। एलिसाइक्लिक फर्दर डिवाइडेड है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड कंपाउंड में हम काउंट करते हैं एल्केन्स को, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड मिलता है हमें, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनको हमने फर्दर सब डिवाइडेड किया है एल्कीन्स और एल्काइन्स में, ठीक है। एल्कीन क्या होती है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, कोई भी दो कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। एल्काइन्स क्या होती है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी दो कार्बन हो उनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, किसमें? एल्काइन्स में। और एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्काइन में होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे फर्दर जो वीडियोस बनेंगे वो इन्हीं पर बनेंगे, ठीक है। और साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर इस तरह से देख सकते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड इस तरह से ट्राइगोनल शेप में, इस बार शेप में, या इस तरह से पेंटागोनल हेक्सागोनल शेप में होंगे। ये क्लास खैर बहुत बाद की है, अभी हमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो इस पर ही हमारे एक दो वीडियोस जो है और बन जाएंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है उन्हें फर्दर हमने डिवाइड किसमें किया है? सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। कितना क्या बॉन्ड हो? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन में काउंट होगा, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो एल्काइन में काउंट होगा। तो अनसैचुरेटेड के दो टाइप है, एल्कीन और एल्काइन, और सैचुरेटेड का एक ही टाइप है एल्केन, ठीक है। एक डियर स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कार्बन की बेसिकली आप बात कर रहे हैं यहां पर, कार्बन इज अ टेट्रा वैलेंट कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट, ठीक है। कार्बन इज ए टेट्रा वैलेंट एलिमेंट। टेट्रा वैलेंट का मतलब है कि हमेशा कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? चार बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा? देखिए, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका कॉन्फिगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p2 कॉन्फिगरेशन। आउटर शेल में आप देख सकते हैं कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p2, तो 2s2, 2p2 आउटर शेल हो गया इसका। आउटर शेल में आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं आपको ऑक्टेट समझा चुका हूँ। ऑक्टेट क्या होता है?
कि हर एलिमेंट ये ट्राई करता है कि उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। ठीक है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और नीड है, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। वो हो सकता है चारों बॉन्ड सिंगल हो, या हो सकता है वो बॉन्ड में कोई डबल बॉन्ड हो, या हो सकता है कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, बट ऑलवेज ये ध्यान रखना कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो हमने यहाँ पर देखा है पार्ट 1, इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि आगे ये आपके स्लाइड बार बार में काम में आएगी, और हो सकता है आपको ये वीडियो जो है बार बार ओपन करना पड़े, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक एरोमेटिक में हमने डिवाइड किया है, और एलिफेटिक को फिर हमने यहाँ पर इस तरह से सब डिवाइड किया है। एलिफेटिक क्लास के बारे में हम पार्ट 2 में फर्दर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।